यूनिट नंबर 5 है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। स्टार्टिंग में कुछ डेफिनेशन आएंगी कि होता क्या है। कोई भी बॉडी अगर मोमेंट करती है अभी तो पक्के उसके पार्टिकल्स चलेंगे साथ में उसके। तो उन पार्टिकल की हम उन बॉडी की बात नहीं कर रहे, हम उनकी बात करेंगे पार्टिकल कैसे चलेंगे। इट इज़ कॉल्ड सिस्टम ऑफ पार्टिकल। दो पार्ट होंगे, फिफ्थ ए और फिफ्थ बी। अच्छी यूनिट मानी जाती है एज ए एग्जाम्स और एज ए कंप्यूटर एग्जाम्स भी दोनों के लिए। पहले लिखते हैं कुछ फोर्सेज के बारे में भी। लिखिए पहला है इंटरनल फोर्स क्या होते हैं। इंटरनल फोर्स, क्या हुआ, रिकॉर्डिंग चल रही है। लिखिए इंटरनल फोर्सेज भी, फोर्स फोर्स ही होता है भाई, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। इंटरनल मतलब क्या है, आपको पता है किसी बॉडी के अंदर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, यस और नो। अभी पार्टिकल आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं वो क्या नाम क्या उसका, इंटरनल फोर्सेस, बस कुछ नहीं है। तो लिख लीजिए द फोर्स एग्जर्टेड बाई पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, फोर्स एग्जर्टेड बाई पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल फोर्सेज। कुछ नहीं है, सिंपल हैं। कौन लगाएंगे, पार्टिकल्स लगाएंगे, कर लोगे। ये हम पहले पढ़ चुके हैं गैस के अंदर भी, गैस मॉलिक्यूल तो फोर्स लगा रहे थे, प्रेशर बन रहा था उनसे भी, यस और नो। नेक्स्ट लिखिए अभी सेकेंड इसका एक्सटर्नल फोर्स। ये फोर्स कौन सा है जो बॉडी पे लगता है बाहर से भी। आपने बॉडी को धक्का मारा, बाहर से लगाया ना फोर्स, तो कौन सा है। यूनिट नंबर 3 में सारा ही पढ़ रहे हैं आप लोग, एक्सटर्नल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स भी। सिंपल है। नेक्स्ट है भाई काइंड्स ऑफ मोशन, कितने प्रकार के मोशन हो सकते हैं, ठीक है। देखिए आपने तीन तरह का पढ़ा हुआ है एक्चुअली वहां पे। पहला नाम था लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, याद है। लीनियर, बॉडी चले स्ट्रेट लाइन में, और ट्रांसलेटरी क्या था, बॉडी चले और उसके पार्टिकल भी चले किसमें, स्ट्रेट लाइन में, और ट्रांसलेटरी था। दूसरा था सर्कुलर और रोटेशनल मोशन भी, और लिखा साथ में सर्कुलर मोशन, बॉडी चले सर्कल में हो गया, और सर्कुलर जब बॉडी चले विद पार्टिकल्स सर्कल में तो इट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन, अलग नहीं था। वहीं बोला गया था कि एक अकेली बॉडी की बात करते तो क्या हो गया, सर्कुलर हो गया, उसके पार्टिकल की बात कर रहा हूँ तो रोटेशनल हो गया, यस और नो। फिर था ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी, और वाइब्रेटरी, एक बॉडी चल रही है स्मॉल ऑसिलेशन थे, ऑसिलेटरी बड़े से चल रही है, वाइब्रेटरी, बस समझ में आ रहा है। दो अलग हो रहे थे, लीनियर एक बॉडी के साथ था, ट्रांसलेटर पार्टिकल के साथ था, बस स्ट्रेट लाइन में था, ठीक है। अब उसी में अब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, पार्टिकल की बात तो पक्की चलेगी, तो कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेशनल पढ़ेंगे, रोटेशनल पढ़ेंगे और ऑसिलेटरी पढ़ेंगे विद पार्टिकल्स भी। समझ में आया कि नहीं आया, वो पढ़ चुके हैं सिंगल बॉडी के साथ तुम वहाँ पे। तो लिख लीजिए काइंड्स ऑफ मोशन का पहला पॉइंट भी। तो तीन तरह के, पहला है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन भी। इसमें क्या होता है, बॉडी और उसके पार्टिकल्स किस में चलते हैं, स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। बॉडी और उसके पार्टिकल्स किस में चलेंगे, स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो कौन सा मोशन होगा, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन से। लिख लीजिए पहला पॉइंट डालिएगा प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। तो लिखो इन दिस मोशन बॉडी एंड इट्स पार्टिकल, बुक में लिखा होता है बॉडी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कोई दिक्कत नहीं है उसी के हैं। बॉडी एंड इट्स पार्टिकल्स आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, किसमें चलें, स्ट्रेट लाइन में।
कर लोगे, ये प्योर होगा भाई, प्योर ट्रांसलेशनल मोशंस में कर लोगे। सेकंड पॉइंट डालिए इसका, पार्टिकल्स सॉरी बॉडी एंड इट्स पार्टिकल्स आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, इसको क्या बोलते हैं, प्योर ट्रांसलेशनल मोशंस में हो जाएगा भाई। सेकंड पॉइंट डालिए प्योर रोटेशनल मोशन भी, प्योर रोटेशनल मोशन। तो लिखिए इन दिस मोशन बॉडी, बॉडी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, बॉडी एंड इट्स पार्टिकल लिख दो या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मूविंग इन, आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ, आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ। अगर बॉडी और उसके पार्टिकल किस में चल रहे हैं, सर्कुलर पाथ में चल रहे हैं, तो कौन सा वो प्योर रोटेशनल मोशन है भाई, कर लोगे, समझ में आ रहा है। थर्ड कौन सा है, कॉम्बिनेशन है अभी। इसमें क्या होता है, दोनों होते हैं, ट्रांसलेशनल भी होता है और रोटेशनल भी होता है। कोई एग्जांपल दोगे मेरे को भी, जिसमें दोनों होते होंगे। आपका व्हील है, व्हील क्या करता है, गाड़ी का बाइक का व्हील क्या कर रहा है, वो घूम भी रहा है, यस और नो, और वो आगे भी जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस और नो। देखो ये जो ना पार्ट इसका जो क्या बोलते हैं इसको, सेंटर पॉइंट बोल लीजिएगा, ये आगे जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, और ये व्हील क्या कर रहा है, घूम भी रहा है, दोनों मोशन इसके पास, कौन से रोटेशनल भी है और क्या है ट्रांसलेशनल मोशन भी है, समझ में आया कि नहीं आया। इसमें बॉडी सिर्फ क्या कर रही है, आगे चल रही है, स्लाइड कर रही है मान सकते हैं, इसमें बॉडी क्या कर रही है, सिर्फ घूम रही है, इसमें दोनों कर रही है भाई, स्लाइड भी कर रही है और घूम भी रही है। आपका व्हील जो करता है ना, गाड़ी का व्हील करता है, ये कौन सा मोशन करता है, कॉम्बिनेशन करता है भाई, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। अगर गाड़ी चल रही है तो खड़ी खड़ी गाड़ी पहले घुमाते रहो, कौन सा रहेगा, रोटेशनल रहेगा सिर्फ। कर लोगे इन इन दिस मोशन A wheel is moving. A wheel is moving in both. A wheel is moving in both translational and rotational motion. भी translational and rotational motion. किस में चलता था व्हील, दोनों में चलता है भाई, ट्रांसलेशनल में और रोटेशनल में, समझ में आया भाई। ये था काइंड्स ऑफ मोशन के बारे में, एनी प्रॉब्लम क्लास, कर पाओगे और आएगा भी। रिजिड बॉडी क्या होती है भी, देखिए ऐसी बॉडी जिस पे हम कोई फोर्स लगाएं और बॉडी के पार्टिकल की डिस्टेंस चेंज ना हो, मतलब बॉडी दबे ना, सीधी सी बात है, तो कौन सी है वो रिजिड बॉडी। कोई भी बॉडी इस यूनिवर्स में रिजिड बॉडी नहीं है भी। अगर अपने दीवार पे फोर्स लगा रहे हो ना, अगर आप माइक्रोस्कोपी लेवल देखें तो उसके पार्टिकल थोड़े से क्या कर जाते हैं, डिस्टेंस कम कर जाते हैं अपने दबाने से। हर कोई चीज़, डायमंड भी एक रिजिड बॉडी नहीं है, लेकिन मान सकते हैं कि हार्ड होती है तो एक टाइम तक क्या मान सकते हैं रिजिड बॉडी भी। ऐसी बॉडी जिस पे कोई फोर्स लगाया जाएगी, ये पार्टिकल यहाँ पे था, पार्टिकल ए, ये पार्टिकल बी, कुछ तो डिस्टेंस होगी इनके बीच की, ये चेंज ही ना हो, बॉल को दबा दिया गया, दब जाएगी, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी इनकी, बदल जाएंगी, खींच लिया तब बदल जाएगी, यस और नो, तो बॉल क्या है, इट इज नॉट ए रिजिड बॉडी। जिनकी डिस्टेंस बदले ही ना, वो क्या आपकी रिजिड बॉडी, कर लोगे, यानी हार्डेस्ट बॉडी क्या मान सकते हैं हम लोग, रिजिड बॉडी है, डायमंड इज ए मान सकते हैं रिजिड बॉडी है, कर लोगे, लेकिन उसके पार्टिकल क्या करते हैं, डिस्टेंस चेंज कर लेते हैं, कर पाओगे। तो लिख लीजिए क्या होती है रिजिड बॉडी, लिखिए इन रिजिड बॉडी, इन रिजिड बॉडी व्हेन वी अप्लाई ए फोर्स, इन रिजिड बॉडी व्हेन वी अप्लाई ए फोर्स एंड बॉडी डज नॉट चेंज इट्स, बॉडी डज नॉट चेंज इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, बॉडी डज नॉट चेंज इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, स्पेस
स्पेसिंग। बॉडी क्या चेंज ना करे, एटम के बीच का स्पेस चेंज ना करे, डिस्टेंस चेंज ना करे, कर लोगे? बॉडी डज नॉट चेंज इंटर एटोमिक स्पेसिंग, देन बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। भी बॉडी क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रिजिड बॉडी बोलते हैं। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इस यूनिट का मेन टॉपिक है। अभी यूनिट में ये चलता पूरी यूनिट में हमारी। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? अभी मास क्या होता है? मैटर कंटेन बाय द बॉडी इज कॉल्ड मास। एक बॉडी में क्या कुछ भरा पड़ा है वो क्या है उसका मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? अभी आपने लकड़ी लेनी है, कोई लकड़ी उंगली पे बैलेंस करवानी है अभी, और सब एक पॉइंट पे आके बैलेंस होती है सिर्फ लकड़ी, वो ही क्या इसका सेंटर ऑफ मास। अभी समझ में आ रहा है? ठीक है, तो होता क्या है सेंटर ऑफ मास? भी ये वो पॉइंट है किसी बॉडी के अंदर जिसमें मैं बोल सकता हूँ कि पूरी बॉडी का मास वहीं पे आया हुआ है। या सिंपल लैंग्वेज में वो पॉइंट जहाँ पे बॉडी क्या हो जाए उस पॉइंट पे बैलेंस हो जाए भाई, वो क्या है आपकी सेंटर ऑफ मास। समझ में आया कि नहीं आया? तो लिखिए सेंटर ऑफ मास क्या होता है, लिखिए सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज द पॉइंट, इज द पॉइंट वेयर वेयर होल मास, वेयर होल मास WHOLE, वेयर होल मास ऑफ द बॉडी, वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी कंसेंट्रेटेड, इज सेड टू बी कंसेंट्रेटेड, होल मास ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी कंसेंट्रेटेड। जहाँ बोल सकते हैं कि पूरा मास कहाँ पे आया हुआ है, उसी पॉइंट पे आया हुआ है अभी। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। भी दो पार्टिकल के लिए हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है, सिंपल दो पार्टिकल है भाई। तो लिख लीजिएगा, वी हैव टू पार्टिकल्स, वी हैव टू पार्टिकल्स ऑफ मास, we have two particles of mass m1 and m2। दो पार्टिकल है भाई, मास कितना है एक का m1, दूसरे का कितना है m2। ठीक है, अब देखिए अभी इसको मैं दिखाता हूँ इन टर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स भी, एक्स वाई की टर्म में भी। आपको याद है वेक्टर फॉर्म में हमने कैसे लिखा था इस चीज़ को? देखिए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और मेरे पास दो पार्टिकल हैं भाई। एक पार्टिकल ये मान लेते हैं इट इज ए, या कुछ भी मान लो ए मान लेते हैं भाई। इसका मास कितना लिया हम लोगों ने m1 में। एक पार्टिकल ये है, इसका मास ये बी मान लेते हैं, मास कितना है इसका m2 भी। ठीक है, ये पॉइंट ओ है भाई, ओरिजिन पॉइंट। ये जो वेक्टर यहाँ पे जो इसकी बताता है पोजीशन बताता है, इसका नाम क्या होता है वेक्टर का? इट इज कॉल्ड पोजिशन वैक्टर भी। ठीक है, कि कहाँ पे है पॉइंट, इट इज r1 लेते हैं उसको हम लोग, r लेते हैं इसको, मैं r1 ले रहा हूँ यहाँ पे, यस और नो? ये जो इसकी बताएगा पोजीशन, ये वेक्टर कौन सा होगा? अगेन इट इज पोजीशन वेक्टर भाई, पढ़े हैं पोजीशन वेक्टर, ये r2 होगा भाई। और इनके बीच का डिस्टेंस बताएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यस और नो? ठीक है, अब हमको बताना है, देखिए इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे हो सकता है इनको पार्टिकल्स का भी, बीच में कैसे होगा? मास बराबर होगा तो बीच में हो सकता है भाई, मैं मास अलग अलग यूज किया था, इनके बीच में कहीं पे होगा भाई, इनके बीच में कहीं पे हो सकता है भाई, कहीं भी हो सकता है, यस और नो? तो मेरे को पॉइंट निकालना है अभी, मान लेते हैं पॉइंट सी है अभी, एनी पॉइंट, जरूरी नहीं है बीच में हो, कर लोगे कोई भी कहीं भी हो सकता है। इसका पोजिशन वैक्टर क्या होगा? इसको मैं आर ले लेता हूँ, कैपिटल आर भाई। मेरे को एक्चुअल में क्या निकालना है, ये सी कहाँ पे है ये निकालना है। अरे कौन बताएगा आपको? ये आर बताएगा भाई, सी कहाँ पे, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर भाई, ऐसा वेक्टर जो बताएगा कि एक्चुअल में पॉइंट कहाँ पे है भी, इट इज कॉल्ड ए पोजीशन वेक्टर विच गिव द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स भी, कर लोगे? तो मेरे को सी पॉइंट बताना है, सी पॉइंट कहाँ पे है ये बात कौन बताएगा आपको? ये आर बताएगा भाई,
तो मेरे को आर निकालना है, एक्चुअल में आर निकालना है। समझ में आया कि नहीं आया? कर लोगे तो मैन, मेरा मैन पर्पज क्या रहेगा? आर निकालना। डायग्राम बनाइए एक बार जल्दी से, डायग्राम सभी का पूरा लिखिए अभी। लेट आर वन एंड आर टू, आर वन एंड आर टू आर द, आर वन एंड आर टू आर द पोजिशन वेक्टर, वेक्टर लिख रहा हूँ भैया, जल्दी सिंबल बनाइएगा साथ में इसके, वेक्टर आपका हो चुका है, कर लोगे? आर वन एंड आर टू आर द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए एंड ए बी, कर लोगे? मान लेते हैं कि पार्टिकल चल रहे हैं अभी विद सम वेलोसिटीज, क्योंकि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो उसकी टर्म में हमको ए भी पचाइएगा वहाँ पे, तो लिख लीजिए लेट, लेट लिखिए v1 एंड v2, v1 एंड v2 आर द, v1 एंड v2 आर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, v1 एंड v2 आर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स। एयर बी का वेलोसिटी कितना है? v1 और v2, समझ में आया? अब देखिए जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे भी, जो ओ बी ओ ए का वैल्यू कितना ले रखा मैंने यहाँ पे, ओ ए इज इक्वल टू आर वन और ओ बी इज इक्वल टू आर टू। अगर पार्टिकल चलेंगे क्या आर वन आर टू चेंज होंगे? उसके भी पक्की बात चेंज होंगे। यहाँ पे चला गया पार्टिकल, तो ये आर कौन को छोर हो जाएगा इसका, आर टू को छोर हो जाएगा, ये सर ना, यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी है वो डिसाइड करेंगी आर वन आर टू में कितना चेंज हुआ। व्हाट इज वेलोसिटी? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यस और नो? क्या मैं v1 को लिख सकता हूँ? v1 इज इक्वल टू डी आर वन बाई डी टी। आपको याद होना चाहिए वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी एक्स बाई डी टी, यस और नो? ये वही तो है जो लिखा हुआ मैंने, कर पाओगे? एनी प्रॉब्लम क्लास? तो v2 कितना होगा? डी आर टू बाई डी टी, डी आर टू बाई डी टी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, लिखिए आगे, इतना हो गया भाई? Yes, लिखो जल्दी जल्दी लिखो। अब इस पर फोर्सेज लग रहे होंगे, अगर ये चल रही है तो चलने का रीजन है भाई, फोर्स लग रहा होगा उसके ऊपर, कर लोगे? Yes, तो फोर्स दो तरह के हो सकते हैं, एक एक्सटर्नल एक हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, क्योंकि हम सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, मेरे को बॉडी पे कितना लग रहा है, अंदर कितना लग रहा है, सब कुछ भाई, कर लोगे? तो मैं लिख रहा हूं एफ वन टू, इसका मतलब क्या है? ये फोर्स है भाई, फोर्स, चलो अभी मत लिखो, ये मत लिखिएगा, लिखिए लेट, लिखो लेट एफ वन स्मॉल वी एंड एफ टू, स्मॉल लिख रहा हूं, स्मॉल एफ वन स्मॉल एफ टू आर द एक्सटर्नल फोर्स भी, एक्सटर्नल फोर्स एफ वन एंड एफ टू आर द एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए एंड बी, ए और बी पे कितने फोर्स लग रहे हैं बाहर से? एफ वन और एफ टू लग रहे हैं स्मॉल वाले भी, कर लोगे? ये तो हो गया, बाहर से तो हम धक्का मार रहे हैं वाले फोर्सेस भी, कर लोगे? अब इंटरनल फोर्स भी हो सकते हैं, सिस्टम है भाई, एक एक बॉडी है, इसके दो पार्टिकल हैं ए और बी, वो यूज़ कर रहे हैं हम लोग। अब अंदर के फोर्स क्या हो सकते हैं अभी? एफ वन टू हो सकता है कि वन पे टू फोर्स लगा रहा हो, फोर्स कुछ भी हो सकता है, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसकी हमको। एफ वन टू मतलब क्या है? ये इंटरनल फोर्स है भाई, इंटरनल फोर्स किस पे लग रहा है? वन पे लग रहा है, ड्यू टू टू भाई, वन पे फोर्स लग रहा है, इंटरनल फोर्स कौन लगा रहा है? टू लगा रहा है अंदर से, कर लोगे? एक ये हो सकता है एफ टू वन, ये क्या है? इंटरनल फोर्स कौन लगा रहा है भाई? टू पे लग रहा है, कौन लगा रहा है? वन लगा सकता है, यस आर नो? ये हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज। मोशन भी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन,
सेकंड ना ये बोलता भाई कि चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम इज इक्वल टू फोर्स भाई, उसमें ये आता है इक्वेशंस फार्मूला ऑफ फोर्स, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी वी, एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी, एफ इज इक्वल टू एम ए, सारे उसी से भी निकलते हैं। यस सर नो बता दोगे? मेरा बताओ भैया, फर्स्ट बॉडी के लिए, ए बॉडी के लिए अगर मैं न्यूटन लॉ लगाता हूँ तो मेरा क्या आंसर आएगा भाई? न्यूटन लॉ ये बोलता भाई एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, कुछ याद है कि नहीं है? डी पी बाई डी टी, तो इसका मोमेंटम कितना होगा? पी वन होगा। मान लेते हैं फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम कितना है? पी वन। तो डी पी वन बाई डी टी इज इक्वल टू, फर्स्ट बॉडी पे कौन कौन से फोर्स लग रही हैं? फर्स्ट बॉडी पे एक तो एफ वन लग रहा है भाई, एक्सटर्नल फोर्स, यस। दूसरा उस पर टू भी लग रहा है, एफ वन टू भाई, यही तो लिखवाया मैंने आपको अभी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और सेकंड बॉडी पे कितना मोमेंटम हो सकता है? डी पी टू बाई डी टी। सेकेंड बॉडी पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं क्लास? एक तो स्मॉल एफ लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, एक इंटरनल लग रहा है भाई, टू पे वन लग रहा है, सही है। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकंड मान लेते हैं। मैं कुछ भी अलग नहीं कराऊंगा जो अब तक नहीं पढ़ा आप लोगों ने, सब सारी चीज़ें वही होंगी जो अपने पढ़ चुके हो, बस थोड़ा ध्यान से पढ़िए क्या हो रहा है। कर लोगे? जल्दी से राइट करो, टॉपिक बड़ा भाई, जल्दी से करो, थोड़ा सा बीच में रह जाएगा दिक्कत हो जाएगी हमको भी, मैं तुम्हारी वो खाऊंगा रिसर्च में, फिर मैं टॉपिक पूरा करके जाऊँगा मैं, वो पक्की बात है। कर लोगे? अब ऐड कर दो दोनों को भाई, एडिंग वन एंड टू, एडिंग वन एंड टू दोनों को ऐड करो इक्वेशंस को भी, तो कितना आंसर आएगा? डी पी वन बाई डी टी प्लस डी पी टू बाई डी टी इज इक्वल टू किसके भाई? एफ वन प्लस एफ वन टू प्लस एफ टू प्लस एफ टू वन, यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? थर्ड लॉ क्या बोलता है? एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस, यानी जितना बॉडी ए पे फोर्स लगा रही है उतना ही बॉडी बी पे लगा रही है, जितना बॉडी ए पे फोर्स लगा रहा है बी उतना ही ए बी पे लगाएगा सेम फोर्स बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। मैंने जोड़ रखे हैं देखो, ये एफ वन टू और एफ टू वन दोनों वैल्यू सेम होगी बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, यस और नो? लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एफ वन टू इज इक्वल टू माइनस एफ टू वन, ऐसे लिखा जाता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। जितना बॉडी ए बी पे लगा रही है उतना बी किस पे लगाएगी? ए पे लगाएगी बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, यस और नो? अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो कट जाएंगे आपस में। अगर मैं एफ वन टू की वैल्यू क्या रख दूँ? माइनस एफ टू वन, तो एफ टू वन से एफ टू वन कैंसिल। कर लोगे? याद रखिए क्लास, इंटरनल फोर्स हमेशा जीरो होते हैं, इंटरनल फोर्स हमेशा ही क्या मिलेंगे आपको? जीरो मिलेंगे, क्योंकि आपस में इनका इफेक्ट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ओके, इंटरनल फोर्स इज ऑलवेज जीरो, ये चीज़ याद रख लीजिए। कर लोगे? बच गया कौन सिर्फ बार वाले बच गए, तो कितना बचा हुआ भाई? डी पी वन बाई डी टी इज प्लस डी पी टू बाई डी टी इज इक्वल टू क्या बचा? एफ वन प्लस एफ टू बाई, सिर्फ कौन से बच गए? एक्सटर्नल वाले बच गए भाई। अगर आपको याद हो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भाई, उसमें था बॉडी रुकी हुई तो रुकी रहेगी, चलती चलती रहेगी, कब तक? जब तक बाहर से कोई फोर्स मिले, बाहर से पूछ रहे था, बाहर से इंटर, तो जी उसको पता था कि इंटर जीरो हो रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इफ देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स लिखा जाता था वहाँ पे स्पेशली वर्ड, तो इंटरनल फोर्स तो कितने हो चुके हैं सारे? जीरो हो चुके हैं। कर पाओगे? समझ में आया यहाँ तक? क्या आप पी का वैल्यू पुट कर सकते हो? पी का वैल्यू भी, मोमेंटम क्या होता है भाई? सरफ कर दें इसको भी, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी भी, यस और नो? तो मैं लिख सकता हूँ इसको डी बाई डी टी पी वन को एम वन वी वन भी, फर्स्ट बॉडी के लिए मास इंटू वेलोसिटी भी, यस और नो? दूसरी बॉडी के लिए डी बाई डी टी पी टू की वैल्यू कितनी है? एम टू वी टू इज इक्वल टू फोर्स प्लस फोर्स, आंसर फोर्स क्या आना है? इसको स्मॉल एफ दे दो, नेट फोर्स भाई, ये नेट फोर्स है,
फोर्स प्लस फोर्स, आंसर इज फोर्स, नेट फोर्स कर लोगे। स्मॉल एफ क्या है? नेट फोर्स ऑन द बॉडी। यहाँ तक किसी को डाउट है भाई? क्लास होता तो बस क्या मैं मास तो कॉन्स्टेंट होता है भाई, क्या डेरिवेटिव से मास बाहर निकाल सकते हैं? कॉन्स्टेंट वैल्यू को बाहर निकल जाएगा, निकाले एम वन बाहर निकाल लिया, ए डेरिवेटिव ये है डी बाई डी टी। वट इज क्या बचा अंदर? वी वन बचा भाई, मैंने वी वन को लिखवा रखा आपको, डी आर वन बाई डी टी था। चेक करो भाई वी वन कितना था, डी आर वन बाई डी टी लिख दूँ, पुट कर दूँ वैल्यूज यहाँ पे, डी आर वन बाई डी टी किसकी वैल्यू है ये क्लास? वी वी वन की वैल्यू है भाई, यस सर नो। प्लस यहाँ पे भी सेम करो, मास को बाहर निकालो, कॉन्स्टेंट वैल्यू है एम टू, एक डेरिवेटिव बाहर है डी बाई डी टी, एक अंदर हो गया अभी डी आर टू बाई डी टी, यस और नो, इज इक्वल टू स्मॉल एफ वी। एनी प्रॉब्लम क्लास? डायग्राम रब कर दूं भाई, इसका काम खत्म हो लिया अभी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैसे यहाँ पर ला रहे हो। अब ये क्या हो रहा है देखिए, एक डेरिवेटिव ये रहा, एक ये रहा, तो मैंने क्या किया, आर वन का दो बार डेरिवेटिव कर रखा है, हम बोल सकता हूँ आर वन का दो बार डेरिवेटिव किया, इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव। सेम यहाँ पे किया हुआ है आर टू का दो बार डेरिवेटिव, लिखते कैसे हैं, एक बार तो ऐसे लिखते डेरिवेटिव को डी एक्स बाई डी टी, सही है, दो बार भाई ऐसे लिखते हैं डी टू एक्स बाई डी टी टू, इट इज द सिंबल ऑफ डबल डेरिवेटिव। स्क्वेयर नहीं है क्लास, याद रखिए ये सिंबल है कि दो बार किया गया है। ये लिखे तो डी थ्री एक्स बाई डी टी थ्री, तीन बार किया गया है। अच्छी बुक्स में ऐसे लिखा मिलता है अभी एक्स डॉट, यहाँ पे लिखा होता है एक्स डबल डॉट, यहाँ पे लिखा मिलता है एक्स ट्रिपल डॉट। ये प्लस टू ऐसे ले सकते हैं एम वन डी बाई डी टी डी बाई डी टी टू, सही है आर वन, प्लस एम टू डी टू बाई डी टी स्क्वेयर, स्क्वेयर लिखा होता नहीं है बोल रहा हूँ स्क्वेयर, ओके आर टू इज इक्वल टू एफ वी, सही है। हम मास को अंदर भी ले, अंदर निकाल सकते हैं, अंदर डाल भी सकते हैं मास को, कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है भाई, इसको ऐसे ले सकते हैं डी टू बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू एम वन आर वन प्लस डी टू बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल इंटू एम टू आर टू इज इक्वल टू एफ वी। मास को अंदर ले गए तो बार भी कॉन्स्टेंट वैल्यू का कुछ भी कर लीजिए, आपको दिक्कत नहीं है उसमें, कुछ होने वाला नहीं है, कर लोगे। yes, आपको ये लग रहा है कि दो है, लग रहा है डेरिवेटिव ऑफ यू प्लस डेरिवेटिव ऑफ वी फार्मूला बन रहा है भाई, फार्मूले याद हैं यू और वी के डेरिवेटिव कैसे किया था, डेरिवेटिव ऑफ यू प्लस डेरिवेटिव ऑफ वी इज इक्वल टू क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ यू प्लस वी, यस और नो? क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ किसका भाई, एम वन आर वन प्लस वैक्टर बनाओ भाई, वैक्टर नहीं छोड़ गए हम लोग, ठीक है एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू इज इक्वल टू एफ वी, सही लिखा है कि नहीं लिखा बता दो? yes, यहाँ तक किसी को डाउट है भाई क्लास? no, ये डेरिवेटिव ऑफ यू प्लस वी है तो क्या लिखोगे, डेरिवेटिव ऑफ यू प्लस डेरिवेटिव ऑफ वी, इंडिविजुअल कर लिया मैंने, यहाँ पे इकट्ठा कर दिया इसको, एनी प्रॉब्लम क्लास? अब क्या करते हैं लिखिए, इतना हो गया देखो दोबारा से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द अबो इक्वेशन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द अबो इक्वेशन बाय एम वन प्लस एम टू, एम वन प्लस एम टू, ये क्या क्लास, एम वन प्लस एम टू क्या है, ये बॉडी के पास दो ही पार्टिकल थे, एक एम वन एक एम टू, दोनों को जोड़ दिया क्या होगा, इट इज मास ऑफ द बॉडी है ये, इट इज मास ऑफ द बॉडी, यस आर नो? तो इस इक्वेशन को मैंने क्या किया, एम वन प्लस एम टू से डिवाइड किया, रहा एम वन प्लस एम टू से कुछ फर्क पड़ने वाला है तो कैसे करेंगे देखिए, एम वन प्लस एम टू से मल्टीप्लाई किया अभी तो क्या आएगा, डी टू बाई डी टी स्क्वेयर इंटू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू इज इक्वल टू एफ वी,
ये क्या मैंने सर मल्टीप्लाई भी एक बार क्या कर लेते हैं यहाँ पे डिवाइड भी कर लेता हूँ या सर नो ऐसे लिख देते यहाँ पे नीचे m1 वन प्लस एम टू मास से अंदर ले जाओ बाहर ले जाओ फर्क नहीं पड़ने वाला अभी क्या सही लिखा है चेक करो भाई मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया हुआ इक्वेशन को कर लोगे अब इस इक्वेशन को करते हैं कंपेयर विद ओम्स लॉ विद सॉरी न्यूटन्स लॉज भी सेकेंड लॉ क्या था अभी न्यूटन्स का भी कुछ याद है लिख लीजिए इतना हो गया कंपेयर दिस इक्वेशन विद न्यूटन्स सेकेंड लॉ भी कंपेयर दिस इक्वेशन विद न्यूटन्स सेकेंड लॉ न्यूटन सेकेंड लॉ से करते हैं इसको कंपेयर क्या था सेकेंड लॉ क्लास कुछ याद है एफ इज इक्वल टू एम ए याद है ए क्या होता है ये भी कुछ याद है लिख लें डी वी बाई डी टी यस आर नो और वी क्या होता है एम डी बाई डी टी और वी क्या होता है डी एक्स बाई डी टी यस आर नो बताओ ये बात सही है कि नहीं है एम ए पढ़ा हुआ ए क्या होता है डी वी बाई डी टी और वी क्या होता है डी एक्स बाई डी टी मैंने बोल सकता हूँ एफ इज इक्वल टू मास और डबल डेरिवेटिव किसका भाई डिस्प्लेसमेंट का यस आर नो सही है कि नहीं है अब यहाँ पर देखो क्या फोर्स है भाई ये रहा फोर्स क्या मास है ये रहा मास टोटल मास क्या डबल डेरिवेटिव है ये रहा भाई यानी ये चीज़ सारी क्या है एक्स के बराबर है यस और नो ये सारी इसके बराबर है एक्स के बराबर एक्स यहाँ पे क्या है मेरा आर है हम आर यूज़ कर रहे हैं एक्स नहीं यूज़ कर रहे हैं आर क्या था कैपिटल आर क्या था इट इज़ द पोजिशन वैक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास मेरे को वही तो निकालना था वट इज़ आर वे यस और नो तो कंपेयर करने के बाद मैं क्या ले सकता हूँ इसको मैं ये ले सकता हूँ एम वन प्लस एम टू डी टू बाई डी टी स्क्वेयर ये आर ले सकता हूँ इसको मैं मेरे को ये तो निकालना है ये एक्स क्या था हमारा हम तो आर यूज़ कर रहे हैं आर वन आर टू यूज़ कर रहे हैं तो ये मेरा आर है भाई इज इक्वल टू क्या हो गया फोर्स ये ओम्स लॉ सॉरी ये क्या है न्यूटन्स लॉज ही है भाई कुछ अलग चीज़ें नहीं है यस और नो मैंने इसकी बेसिस पे ये बनाया है यहाँ पर कर लोगे तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर भाई आर किस आर लिखा है मैंने किसको एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू को लिखा है ठीक है तो दिस इज द आर क्या है ये भी लिख देते हैं वेर आर इज ये क्या है भाई पोजिशन वैक्टर पोजिशन वैक्टर ऑफ किसका भाई सेंटर ऑफ मास सी ओ में लिखते हैं इसको क्या सी ओ एम सेंटर ऑफ मास आपको निकालना क्या था कि आपका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है ये कौन बताएगा आपको या आर तो बताएगा ना तो आर निकल गया आपको दिस इज द फार्मूला फॉर पोजिशन वैक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ये फार्मूला निकालना हमको समझ में आया कि नहीं आया अभी